हेलो एंड वेलकम। तो बीटीसी के वीकली अपडेट में आपका स्वागत है। इस हफ्ते में और ये बहुत हफ्ता क्रिटिकल है बीटीसी के लिए, ठीक है। तो लेवल्स बहुत इंटैक्ट है, बहुत क्लियर लेवल्स है अपने लिए, तो वो लेवल्स मैं आपको दूंगा। और क्यों बीटीसी थोड़ा बेरिश मोड है या बुलिश मोड है वो समझने की कोशिश करेंगे। और लेवल वाइज अगर आप जाओगे तो ये आप मार्केट में टिकोगे, नहीं तो आप बार बार एंट्री एग्जिट करके कंफ्यूज स्टेट में रहोगे और बीटीसी इधर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा या नीचे की तरफ, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो लेवल वाइज जाओ, जो लेवल्स मैं आपको देता हूँ वैसे हमेशा की तरह जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और लाइक सबसे इंपॉर्टेंट है, करिए वीडियो अगर आप लाइक अच्छा लगता है आपको वीडियो, ठीक है। हमेशा की तरह सबसे पहले बीटीसी अपडेट देखेंगे, आज इथेरियम भी देख लेंगे, बहुत से लोग इथेरियम अपडेट की डिमांड कर रहे हैं। फिर टोटल मार्केट कैप देखेंगे, टोटल मार्केट कैप 3 देखेंगे, बीटीसी डोमिनेंस देखेंगे एंड में, और सबसे इंपॉर्टेंट बीटीसी यूएसडीटी डोमिनेंस भी आज हम देखने वाले, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है लेवल वाइज। तो 15 दिन पहले जैसे हमने एनालिसिस किया था, तो सबसे पहले बीटीसी देख लेते हैं। देखो ये मैंने आपको 15 दिन पहले अपडेट दिया था, मैंने आपको 68,000 की लेवल दी थी, ओके। और उसके ऊपर अगर वीकली एक दो कैंडल अच्छे से क्लोज करता है तो ही हम बुलिश होने वाले थे, या सस्टेन हो जाता है। तो आप देखोगे तो ये जो चैनल है ना ऊपर का, इसके ऊपर वो क्लोज नहीं हो पाया। और मोस्टली एक चीज़ याद रखना, ये जो चैनल के जो लेवल्स होते हैं ना, जो ट्रेंड लाइन पकड़ो या चैनल के जो लेवल्स होते हैं, ये हाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होते हैं, लिक्विडिटी जोन होते हैं इनको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी होती है मार्केट की, और यहीं पे इसके बाद ही ट्रांसफॉर्मेशन मोस्टली हो जाता है, ठीक है। तो 68,000 का हमने टारगेट रखा था, 63,000 के बाद मैं लॉन्ग हो चुका था, जैसे हमने प्लान किया था। 63 के बाद लॉन्ग हुआ और वहाँ से 68 तक इजीली मार्केट को राइड किया। अब करेक्शन भी आ रहे हैं, 2-3 दिन से मैं शॉर्ट ही कर रहा हूँ अच्छे से, वो हो रहा है। तो लाइव ट्रेडिंग भी हमने अभी स्टार्ट किया, तो वो भी आप फॉलो करो, ठीक है। अब देखो बीटीसी इस हफ्ते में क्या कर सकता है लेवल वाइज आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो वीकली चार्ट देख लेते हैं, कन्फ्यूज मत होइए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको मैं पिक्चर क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। अब जो लोग बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी समझ में नहीं आता सर ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, देखो बहुत क्लियर है बीटीसी ने ये वीकली के ऊपर ये फ्लैग पोल काइंड ऑफ पैटर्न बना के रखा है, ठीक है। अब देखो मार्केट नीचे सपोर्ट जोन में है, ऊपर रेजिस्टेंस जोन में, एकदम क्लियर है, ठीक है, वीकली के ऊपर। अब ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस टेस्ट किया है, और इसके बाद 68,000 जो टारगेट रखा था वो थोड़ा सा टच करके रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन को अंदर की तरफ आ रहा है, क्योंकि सस्टेन नहीं हुआ वो प्राइस, तो वीकली में थोड़ा सा अंदर की तरफ आ रहा है। अब क्या यहाँ से बीटीसी क्रैश होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, देखो बीटीसी कहाँ से एग्जिट हो सकता है वो भी मैं लेवल आपको दे देता हूँ, और किसके बाद आपको बेरिश होना है किस लेवल के बाद वो भी मैं बता देता हूँ। स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, एक एक स्ट्रक्चर आप समझो मार्केट एग्जैक्टली क्या कर रहा है। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे हम थोड़ा जूम इन करके, ये जो स्ट्रक्चर है ना, कहाँ पे है ये टूल, ठीक है, ये स्ट्रक्चर पे पहले देखते हैं हम, यहाँ पे फोकस करते, ठीक। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये आपको प्राइस एक्शन तो मैंने ऑलरेडी सिखाया है ना, प्राइस एक्शन बिगिनर्स कोर्स में हमने सिखाया है, तो बिगिनर्स कोर्स ऑलरेडी चैनल पे है, जिन्होंने नहीं किया वो डिस्क्रिप्शन में जाके ले सकता है, फ्री में ये पूरा कोर्स है, ठीक है। प्राइस एक्शन के रूल्स के हिसाब से मैंने आपको क्या बताया कि हायर हाई हायर लोज जब तक बन रहे तब तक मार्केट हो सकता है अप ट्रेंड में कंटिन्यूएशन में जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था कि पहले एक मार्केट गिरा, फिर एक हायर लो बना, फिर यहाँ से थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करने की कोशिश की, और एक मार्केट ने ना यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई, ठीक है। अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन ना, एक्चुअल मैं ऐसे मानता हूँ कि अगर बीटीसी बहुत ज़्यादा बुलिश होता ना तो ये ट्रेंड लाइन के अंदर वो आना नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे रिटेस्ट करके सीधे यहाँ से बाउंस करना चाहिए था। अब हो सकता है यहाँ पे 2 कैंडल्स क्लोज किए, 3rd कैंडल शायद रिवर्स भी कर दे, ये हमें नहीं पता, ठीक है। तो आज क्लोजिंग अभी तक बाकी है। अब ये जो चैनल है ना, इसके अंदर ऊपर से रेजिस्टेंस आ रहा है, नीचे की तरफ भी एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी बन रही, ठीक है। अब देखो 2 ट्रेंड लाइन्स यहाँ पे है, एक तो ये मैंने आपको बहुत पहले ट्रेंड लाइन दे रखी है, तो मैंने आपको बताया था कि फिर इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब भी डेली क्लोजिंग देते, 2-3 दिन या वीकली क्लोजिंग अच्छे से हो जाए, सस्टेन हो गया, तो रेजिस्टेंस अगर ये बन जाती तो बड़े क्रैश होने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा होते। अब मार्केट ने नया ट्रेंड लाइन बनाया यहाँ पे, तो अभी ये ट्रेंड लाइन अपने लिए गाइडेंस का काम करेगी, और ये अगर ट्रेंड इतना ही स्ट्रांग है तो ये ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यू हो सकता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे जैसे मैंने बताया ना, ट्रेंड लाइन के अंदर थोड़ा रेजिस्टेंस की टेस्ट करके अंदर आया, तो थोड़ा वीकनेस यहाँ पे लग रहा है, लेकिन बहुत वीकनेस नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि यहाँ से सीधा मार्केट क्रैश हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेवल वाइज जाओ। अब लेवल्स क्या क्या है इस हफ्ते की, सबसे एक चीज इंपॉर्टेंट समझ लो यहाँ पे, ये जो ट्रेंड लाइन है ना यहाँ पे, ये जो ट्रेंड लाइन है जो मैंने क्लिक किया अभी, ये अगर ब्रेक होती ना तो समझ लो ये मार्केट ने जो ये जो मूवमेंट किया था ना, ये फेक मूवमेंट, मतलब ये फेड हो चुका है, ये
मार्केट इसको सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो जो हमने यहाँ से जो पंप स्टार्ट किया था, हो सकता है वो फेड आउट हो गया और फिर ये पंप इनवैलिड हो जाता है उस केस में, ठीक है। तो कैसा होता है, बुल्स जोर लगाते हैं, बेयर्स जोर लगाते हैं, फिर जिसका जोर ज़्यादा है वो उस डायरेक्शन में मार्केट चला जाता है। अब बेयर्स यहाँ पे ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो वो बुल्स को ऊपर नहीं जाने देते इस केस में, ठीक है। अब अपने लिए ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन है, तो ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर लो, इसके नीचे अगर अच्छे से क्लोजिंग करके सस्टेन हो गया, ये रेजिस्टेंस बन गई, तो फिर क्रैश आने के चांसेस है। फिर लास्ट जो अपने लिए सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनती है लास्ट वाली, वो 58,000 के आसपास बनती है, उसके नीचे अगर चला गया मार्केट तो फिर ये नीचे जो 50,000 लेवल का है ना, इसके नीचे भी जा सकता है, वो चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो लेवल वाइज जाएंगे, ऐसे कोई डायरेक्टली प्रेडिक्शन नहीं करते मार्केट में, ओके, क्योंकि यहाँ से अगर सपोर्ट बन गया ना तो ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट कर सकते हैं। तो ये ट्रेंड लाइन्स आप ड्रॉ करके रख दो अपने इसमें। अब बुलिश केस सिनारियो भी देखते हैं, बेरिश केस सिनारियो भी देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी का जो ट्रेंड है ये प्राइस एक्शन के हिसाब से, यहाँ से पंप स्टार्ट किया, फिर यहाँ से एक वैलिड ऊपर की तरफ चल रहा है मार्केट, ठीक है। अब ये छोटा रेजिस्टेंस आया, इसकी वजह से चलो बेयरिश एनगल्फिंग बन गया यहाँ पे, लेकिन ये देखो ये जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है ना, ये मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। तो अगर हम ईएमए ऑन करेंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा, ईएमए ऑन करोगे तो, ओके। तो ईएमए ऑन करने के बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट है, 20 EMA अभी तक टेस्ट भी नहीं हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये जो पहले डेली के ऊपर 20 EMA ना, ये टेस्ट करने के लिए BTC आ रहा है। चलो इनकेस यहाँ से थोड़ा बाउंस करके ये भी फेल हो जाता है, तो उस केस में 50 EMA यहाँ पे सपोर्ट देने का काम करेगी उसके बाद, ठीक है। तो 20 EMA अगर सस्टेन नहीं होता है तो ट्रेंड थोड़ा सा फेड हो रहा है, लेकिन अभी भी हम अप ट्रेंड में है। जब तक 50 EMA के ऊपर कोई भी ट्रेंड लाइन, मतलब 50 EMA के ऊपर जब तक प्राइस है ना, तब तक समझ लो कि ये ट्रेंड अभी तक वैलिड है। इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे के बेरिश हो जाए तो फिर वो ट्रेंड वीक हो जाता है। तो 50 EMA जब तक BTC 50 EMA के ऊपर है, चांसेस है कि हम अभी भी ऑल टाइम हाई जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ आप समझ लो। तो फिलहाल ये एक टेम्पररी सपोर्ट लेने के आ रहा है, जो 565-500 का है वो टेम्पररी सपोर्ट बनेगा, उसके बाद 50 EMA टेस्ट करेगा, और यहाँ से अगर रिवर्सल हो जाता है इनकेस 50 EMA से, तो फिर भी ब्रेकआउट करने के चांसेस है, और फिर भी अपने पास BTC अप ट्रेंड में वैलिड ट्रेंड में रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों लेवल्स आप अभी के लिए याद रखना। और नीचे की ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक कर दी, ये जो नीचे की ट्रेंड लाइन दी है मैंने यहाँ की, तो ये अगर इनकेस ब्रेक हो जाती है तो समझ लो कि ये ट्रेंड फेड आउट हो चुके हैं, और फिर यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करो, ये भी फेल हो गए तो फिर नीचे की तरफ बड़ा क्रैश आने के चांसेस है। 40,000-35,000 भी कोई बड़ी बात नहीं BTC के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई हुआ नहीं कि पूरा मार्केट बुल रन में भाग रहा है, ऐसे कुछ सिचुएशन अभी तक हुआ नहीं, सिर्फ BTC अकेला भाग रहा है। डोमिनेंस देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो अभी के लिए एक्सपेक्ट करो 65,500 का सपोर्ट ले सकता है मार्केट, फिर 63,500 के आसपास सपोर्ट लेगा। 63,500 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो चांसेस है कि यहाँ से बड़ा क्रैश आने के चांसेस है। इसके ऊपर जब तक है तब तक हो सकता है मार्केट यहाँ से कंटिन्यू अप ट्रेंड बनाते रहे, और वैसे भी डेली की 200 EMA के ऊपर हम सस्टेन हो रहे, तो चांसेस है कि यहाँ से ऊपर भी जा सकता है मार्केट, क्योंकि डेली के ऊपर देखो यहाँ पे जो ग्रीन कलर की EMA देख रही है 50 EMA ने 200 EMA को क्रॉस ओवर नहीं किया यहाँ पे, क्योंकि वो ट्राई कर रहा है कि मैं कंटिन्यूसली बुलिश रहूँ मार्केट में, इसलिए 50 EMA का जो गोल्डन क्रॉस या डेथ क्रॉस, इसको हम बोलते हैं डेथ क्रॉस होने नहीं दिया यहाँ पे, तो डेथ क्रॉस अवॉइड किया, उसके बाद फिर यहाँ से टेंजेंस भी बना के ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल थोड़ा अप ट्रेंड में है, थोड़े बहुत करेक्शंस आते हैं, 2-3 दिन ऐसे हो जाता है। EMA का सपोर्ट तलाश कर रहा है, EMA का एक बार सपोर्ट बन गया तो हो सकता है कंटिन्यू पंप ऊपर की तरफ भी हो सकता है, और लेवल नीचे ट्रेंड लाइन्स दी है वो ब्रेक होते जाएगी, वैसे वैसे आपको बेरिश होना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये BTC का हमने बहुत ही सिंपल तरीके से समझा, और ये आप अपने दिमाग में छाप लो, और वही होने वाला है, उसके सिवाय कुछ होता नहीं यहाँ पे, ठीक है। अब BTC का हो गया, आप देखते हैं इथेरियम क्या बता रहा है आपको। अब इथेरियम बहुत से लोग ट्रेड नहीं कर रहे मुझे पता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कॉइन किस लेवल पे, क्योंकि देखो अल्ट कॉइन्स अभी मार्केट थोड़ा अलग चल रहा है, BTC अलग चल रहा है, तो आपको वो कोरिलेशन भी समझना इंपॉर्टेंट है कि अल्ट कॉइन्स कब बुलिश हो रहा है, सिर्फ BTC बुलिश है तो इसका क्या मीनिंग होता है मार्केट में। तो ये इसलिए आपकी नज़र सारे अल्ट कॉइन्स पे भी चाहिए, चाहे आप सिर्फ BTC भी ट्रेड कर रहे हो, फिर भी पूरा मार्केट आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या काम करता है, कोरिलेशन कैसे होते हैं, कब कब ये अगर पंप करता है इस सीजन के बाद, वो अगर पंप करता है BTC या ये अल्ट कॉइन्स, तो क्या रिलेशन है वो समझना इंपॉर्टेंट, और कब एक्चुअल बुलिशनेस मार्केट में आता है वो भी मैंने आपको बताया वैसे भी डोमिनेंस के हिसाब से। तो इसलिए हम अल्ट कॉइन्स को थोड़ा इथेरियम के नजरिए से देखते हैं, ठीक है। अब वीकली के ऊपर जाके देखेंगे ना, तो बहुत ही मतलब अगर आपने बिगिनर्स कोर्स किया तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे एक बेरिश फ्लैग पोल अभी भी हम बना रहे, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे हिसाब से तो बहुत से लोग इथेरियम में बहुत ही बुलिश है, मुझे तो ऐसे बुलिश होने के लिए कुछ अभी तो यहाँ पे कारण तो दिख नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि ये देखो बहुत बड़ा क्रैश होने के बाद यहाँ पे सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका मीनिंग ये नहीं होता है कि यहाँ से बहुत फाड़ के निकल जाएगा लेवल्स और ऐसे बुलिश होगा। नीचे की ट्रेंड लाइन है मेरे हिसाब से वो सपोर्ट दे सकती है, वो भी ब्रेक हो जाए तो फिर मुश्किल है इथेरियम का, ठीक है। तो वैसे भी नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा चांसेस है गिरने के इथेरियम की, ठीक है। अब इससे ये ऐसे मैं प्रेडिक्ट नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से क्रैश ही होगा, लेवल्स अगर सपोर्ट नहीं करती है, होल्ड नहीं करती है, तो हमें बेरिश होना ही पड़ता है, और जैसे जैसे सपोर्ट्स बनते जाएगा, जैसे BTC में अभी थोड़ा थोड़ा सपोर्ट बन रहा है और बेरिशनेस
बहुत बेरिश होने का कोई कारण नहीं चाहिए, हमेशा बुलिश होने का भी नहीं चाहिए। जैसे जैसे लेवल्स वर्कआउट होती है वैसे वैसे, और हमें पता ही वैसे भी कौन से लेवल के बाद मार्केट बुलिश होता है, कौन सी लेवल के बाद बेरिश होता है, तो उतना हम अंदाजा लगा ही सकते हैं मार्केट में। ठीक है, तो इथेरियम की अगर लेवल्स देखेंगे तो फिलहाल देखो EMAs भी ऑन कर लेते हैं। EMAs के हिसाब से अभी भी 20MA के आसपास है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बना है ना, प्राइस स्ट्रक्चर, ये बहुत वीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे BTC ने थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बनाया, इथेरियम भी चलो BTC को फॉलो कर रहा है थोड़ा बहुत, और यहाँ पे ऐसे कुछ सपोर्ट बना के अभी बैठा है। तो सपोर्ट लेवल्स की बात करेंगे तो 2500 के आसपास ये जो है सपोर्ट होल्ड होना चाहिए। ठीक है, अभी टेम्पररी, वैसे भी 50MA के आसपास सपोर्ट बना है, तो यहाँ से थोड़ा रिवर्सल कर ही सकता है। और उसके बाद 2500 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है? 2400 का लेवल है। अगर 2400 लेवल ब्रेक हो जाती है ना, तो समझ लो यहाँ से क्रैश होने के इथेरियम के ज़्यादा चांसेस है। तो इसलिए 2400 लेवल जो है इथेरियम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2500 के आसपास अभी टेम्पररी सपोर्ट बन सकता है, और बहुत ज़्यादा बुलिश कब होगा इथेरियम? जब 2800 लेवल, ये जो प्रीवियस हाई है, वो क्रॉस करेगा, तो ऐसे भी स्ट्रक्चर बन सकता है इनकेस। ऐसे अगर निकलता है यहाँ से बाहर, तो फिर यहाँ से ब्रेकआउट कर सकता है, क्योंकि आप देखोगे तो ये राइजिंग वेज है, हो सकता है ये ऊपर की तरफ नीचे की तरफ ब्रेक होता है हमेशा, लेकिन ये नीचे के साइड में बना है तो ये ऊपर भी ब्रेकआउट हो सकता है, ये समझ लो। ठीक है, तो पैटर्न कहाँ पे बना है वो भी इंपॉर्टेंट है। बस सिर्फ पैटर्न दिखा है इसलिए वो सिर्फ राइजिंग वेज है तो नीचे ब्रेकआउट होगा, ऐसे कुछ नहीं होता। वो कहाँ पे बना है वो भी समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्राइस सेक्शन का ही खेल है पूरा, प्राइस हमें बताती रहती है वो क्या क्या कर सकती है। तो यहाँ पे ये इथेरियम का केस हो गया, 28 के ऊपर गया तो हम बोल सकते हैं कि ऑल टाइम हाई, ये वो जो भी है ऑल टाइम हाई तो इमीडिएटली नहीं होगा क्रॉस, लेकिन एटलीस्ट 3000 के ऊपर 3500 वगैरह हम टेस्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए ये 2500 का और 2400 का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, नहीं तो नीचे फिर बहुत बड़ा गैप है। ये एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पहले टेस्ट किया था, है ना, वहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से समझ लो अगर ये बाउंस फेल हो जाता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट की तलाश में जा सकता है मार्केट, तो ये नेक्स्ट वाला सपोर्ट यहाँ पे बनता है, तो बहुत ही मुश्किल घड़ी हो सकती है इथेरियम के लिए। ठीक है, तो ये हो गया इथेरियम के लिए, और फिर टोटल मार्केट कैप देखते हैं। टोटल मार्केट कैप वेयर एज है ना, ओवरऑल आप देखोगे तो सारे चार्ट सेम ही दिखा रहे वैसे, है ना। तो ये चैनल हमने बनाया था, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, वहाँ से बाउंस किया, अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट ट्राई कर रहा, तो वो जैसे ट्रेंड लाइन हम फॉलो कर रहे हैं BTC में, वैसे यहाँ पे भी फॉलो करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन्स आपको दिखेगी, है ना, नीचे वाली एक है और ऊपर वाली एक है, जब तक नीचे वाली वैलिड है तब तक ऐसे हो सकता है ये सपोर्ट बन जाए, लेकिन ये जो अगर यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई तो समझ लो ये ट्रेंड जो अभी स्टार्ट किया था मार्केट ने वो थोड़ा फेड आउट हो चुका है, और फिर यहाँ से ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के चांसेस भी ज़्यादा है, फिर से हम अपनी जो लेवल है सपोर्ट जोन है वहाँ पे फिर से आ जाएंगे। ओके, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। फिलहाल तो सपोर्ट है, बुलिश है, EMAs भी देखोगे तो कंटिन्यूसली EMAs के ऊपर अभी सस्टेन हो रहा है, सेम BTC की तरह, तो बुलिशनेस है थोड़ा बहुत मार्केट में, पकड़ लिया मार्केट ने बुलिशनेस, लेकिन अगर ट्रेंड फेड आउट हो जाता है, वीक हो जाता है, तो हमें एग्जिट करना हमारा काम है। ठीक है, तो वही उतना ये सारे जो चार्ट है वही समझने में हमें हेल्प करती है कि कहाँ पे हम एग्जिट कर सकते हैं और कहाँ पे चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, वैसे टोटल मार्केट कैप 2 है, इसने तो और क्लियर ट्रेंड लाइन बना दिए, तो ये अगर ब्रेक हो जाती तो इन केस तो उस सिचुएशन में और नीचे आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, हो सकता है फिर मार्केट यहाँ पे भी सपोर्ट ले, यू नेवर नो। ठीक है, तो टाइम लग सकता है चीज़ों को डेवलप होने में, जैसे जैसे डेवलप होता है वैसे वैसे प्लान करो, और वैसे भी ये जो ऑल्टकॉइंस है ना बहुत बॉटम प्राइस पे, तो बेटर है कि सेल ऑफ मत करो, चीज़ों को होल्ड करो, और जैसे जैसे जो भी प्राइस पे मिल रहे ऑल्टकॉइंस, आप जो पुराने हैं वो तो अच्छे बॉटम प्राइस पे ही है, वैसे भी 2022 के पहले के कॉइन्स वो तो सारे बॉटम पे, हो सकता है 23 और 24 के कॉइन्स थोड़े बहुत ऊपर हो, उनको बस अच्छी प्राइस पे ले लो, 22 के पहले के जो कॉइन्स है, 21 के पहले के जो कॉइन्स है वो तो पूरे बॉटम पे, तो वो कहीं भी आप उठा सकते हो। ठीक है, और वो उसको होल्ड करना पड़ेगा एक दो साल के लिए, एटलीस्ट कम से कम थोड़ा होल्ड करो, रिजल्ट्स आपको दिखेंगे जैसे मार्केट अगर बुल रन में चला जाता है। ठीक है, और वैसे भी बुल रन थोड़ा बहुत चांसेस है नेक्स्ट ईयर बुल रन आने के, क्योंकि क्या इलेक्शन के बाद हमेशा, जैसे मैंने बताया, US इलेक्शन के बाद अच्छा मूवमेंट होता है, तो वो चांसेस है। तो अभी भी मार्केट थोड़ा बुलिशनेस भी दिखा रहा है, लेकिन बेरिशनेस तो नहीं वैसे कि 100% बेरिश है, ऐसा कोई सिचुएशन अभी फिलहाल तो नहीं है मार्केट में। ठीक है, तो नवंबर का वेट करें सारे लोग। अब डोमिनेंस जो है BTC डोमिनेंस हमेशा की तरह ऊपर की तरफ चल रहा है अपना, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन भी मिलेगी ऐसे, अभी देखो ये है ना यहाँ पे, तो हो सकता है ये अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, हमें नहीं पता, लेकिन कंटिन्यूसली 20MA का सपोर्ट बन रहा है। जब वो यहाँ पे था अक्टूबर 2022 में, मैंने आपको बताया था कि 60 का टारगेट हमने रखा था, तो धीरे धीरे मार्केट अभी वो एक दो हफ्ते में शायद हो सकता है यहाँ पे आ जाए, और अगर यहाँ से ये और ब्रेकआउट कर देता है तो फिर अल्टकॉइंस के थोड़े टाइम के लिए वाट लग सकती है, लेकिन फिर वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी आपको बाइंग के लिए, तो अल्टकॉइंस बाइंग करने के लिए बहुत अच्छा चांस आपको मिल सकता है। देखो ये जो चांसेस होता है ना, ये लाइफ टाइम वेल्थ बनाने के चांसेस होते हैं, यहाँ पे एक बार आप अच्छे तरीके से इसको मैनेज कर लो ना, तो आप
अच्छा पैसा मार्केट से कमा सकते हो, शॉर्ट टर्म नहीं तो लॉन्ग टर्म का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी आप उसमें एग्जिट कर सकते हो जब मार्केट बुल रन से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब नीचे का ये जो चैनल है यूएसडीटी डोमिनेंस की बात कर रहे हैं अभी हम। यूएसडीटी डोमिनेंस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएसडीटी डोमिनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो यूएसडीटी डोमिनेंस मार्केट के अगेंस्ट चलता है, तो ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देता है तो मार्केट बेरिश होता है, नीचे की तरफ ब्रेकआउट करता है तो थोड़ा सा बुल रन के चांसेस यहाँ पे दिखते हैं। ठीक है, तो ये एक ट्रेंड लाइन ब्लू कलर का है, यहाँ पे ये नीचे की तरफ कंटिन्यूअसली हो सकता है बुल रन जो है अपने लिए, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो बुल रन अपने लिए स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो चैनल है एटलीस्ट ये अभी सपोर्ट बन रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस का थोड़ा काम कर रहा है, तो अगर यहाँ से गिरता है तो थोड़ा बहुत मार्केट बुलिश हो सकता है। जब तक ये यूएसडीटी डोमिनेंस गिरेगा मार्केट बढ़ेगा, और जब ये बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो अभी ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे है, अगर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो समझ लो आपको क्या करना है, और अगर यहाँ से नीचे ब्रेकआउट करता है तो समझ लो पंप होने के चांसेस है अल्ट कॉइंस। ठीक है, तो ये ऐसे उल्टा चलता है हमेशा की तरह, तो होल्ड करो अभी, ये बहुत अच्छा मार्केट है आपको बाइंग करने के लिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। वीडियो अच्छा पसंद आया हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, जो भी क्वेश्चन आप कमेंट ही नहीं करते हो पूछा करो। ठीक है, और लाइव ट्रेडिंग अभी स्टार्ट किया तो हर हफ्ते में थोड़ा थोड़ा मैं अभी आपको लाइव ट्रेड्स करने लगाऊंगा, दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी टेक केयर, तब तक के लिए बाय बाय।